यूपी में युवाओं को टैबलेट मोबाइल देने के लिए टेंडर, मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 4700 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा वर्क ऑर्डर। 2500 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे टैबलेट और 2200 करोड़ में खरीदे जाएंगे स्मार्टफोन भी। बहुत बड़ी खबर के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है कि जो युवाओं को टैबलेट देने की तारीखों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस से युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट मिलने वाले हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है, ये आज ही का न्यूज़पेपर है। पूरी खबर को आप सभी को बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैबलेट और स्मार्टफोन की पल पल की अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस यानी कि 25 दिसंबर से जो स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण है वो शुरू हो जाएगा और स्टार्टिंग में यानी कि पहले चरण में 10.5 लाख स्मार्टफोन और 2.5 लाख टैबलेट का वितरण होगा। और अगर दोस्तों टैबलेट की कंपनी की बात की जाए कि कौन सी कंपनी का टैबलेट आप सभी को मिलेगा, तो सैमसंग या एसर का टैबलेट आप सभी को मिलेगा क्योंकि इसी ने टेंडर की प्रक्रिया में भाग लिया है। और स्मार्टफोन की दोस्तों अगर बात की जाए तो लावा सैमसंग जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने यहां पर टेंडर में भाग लिया है, यानी कि स्मार्टफोन आपको या तो सैमसंग का मिलेगा या यहां पर लावा का मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।